बोकारो के तेली दी मोड़ के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव की अध्यक्षता में एक मिलन समारोह आयोजित की गई। जेएमएम की इस मिलन समारोह में राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं और अन्य दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। मिलन समारोह को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुकी है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। राज्य का विकास हेमंत सोरेन की सरकार से ही संभव है। अखंड संघर्ष यात्रा में उमड़ा जन सैलाब में देखने को मिल चुकी है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मंटू यादव एवं फिरदौस अंसारी सहित उपस्थित वरीय जेएमएम नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। है वहाँ हमने कहा 19 के बाद जे इस बोकारो लो नगरी तेलडी मोड़ के समक्ष जो है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो महानगर के उपाध्यक्ष फिरदौस अंसारी जी की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है और हमारे राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि इतने लगभग सैकड़ों लोगों ने जो है पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। और सर्वप्रथम मैं तमाम जितने भी आज यहाँ के कार्यकर्ता ने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया उसे हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि आज बोकारो का जो स्थिति है, बोकारो में 5 साल चूँकि सरकार की होने चली और किसी प्रकार का जो है विकास का कार्य नहीं हुआ है, सारे लोग जो है आज इस सरकार से बीजेपी सरकार से नाखुश हैं। और जिस तरह का 16 तारीख जो कार्यक्रम हुआ संघर्ष यात्रा आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, बोकारो में एक उबाल देखने को मिला है, चंदनकारी में एक उबाल देखने को मिला है और काफ़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। और आज विभिन्न विभिन्न दल को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी और माननीय हेमंत सोरेन जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए लोग जो है पार्टी में शामिल काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। चूँकि जगह जगह अभी जो है 2-3 प्रोग्राम और है तो हर जगह लोग जो है काफ़ी संख्या में पार्टी का दामन थाम रहे और लोगों का यह विश्वास हो चुका है कि आने वाला समय जो है निश्चित रूप से माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार बनेगी। और जब तक हेमंत सोरेन जी का सरकार नहीं बनता है तब तक विकास का, अगर यदि विकास का नाम भी बोले तो निश्चित रूप से यह अभी एक बेमानी होगा। पूरे झारखंड प्रदेश में किसी प्रकार की कोई आज तक विकास का काम नहीं हुआ। आप बोकारो का अगर बात ले लें तो बोकारो में जिस तरह का लगातार आप देख रहे हैं कि 3 साल से एक जो है मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ के जो विधायक और सांसद किए लेकिन मेडिकल कॉलेज भी नहीं खोलवा पाए। इंजीनियरिंग जो हाई एजुकेशन का बात हुआ हायर एजुकेशन का लेकिन आज तक बोकारो में वह चीज़ नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हवाई अड्डा का नाम से बराबर 40 बार जो है हमारे विधायक जी ने अखबार में फोटो छपवा लिया लेकिन आज तक जो है हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ है। चूँकि यह सरकार में 500 पेड़ नहीं कर सकता है, 5 किलोमीटर रोड नहीं बन सकता है तो यह सरकार में क्या विकास होगा। सेक्टर 9 से लेकर आप देख रहे हैं चंदपुरा जोड़ने वाली जो रोड है मात्र 5 किलोमीटर है लेकिन 5 साल में वह रोड तक नहीं बन पाया तो सरकार बोल रही है हम विकास कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हो रहा, सिर्फ अखबार में विकास हो रहा है। इसलिए सारे लोग जो है पूरे बोकारो के तमाम जितने भी एक एक जनता है लोग चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चले और आने वाला समय में जो है माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार बनाए। धन्यवाद।